हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है स्वीट कॉर्न से इडलियां बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्वीट कॉर्न से इडली। स्वीट कॉर्न इडली बनाने के लिए ये हमने एक कटोरी स्वीट कॉर्न लिए हैं, ये फ्रेश स्वीट कॉर्न लिए हैं। मैंने इसके दाने अलग निकाल लिए हैं और ये एक कटोरी मैंने सूजी ली है। ये बीन्स की फलियां ली हैं, ये 6-7 फलियां ली थी, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये सरसों के दाने लिए हैं 1 चम्मच मैंने, 20 से 25 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, इनको बारीक कट कर लिया है। ये थोड़ा सा धनिया लिया है, इसको भी बारीक कट कर लिया है। और 1 गिलास मैंने लस्सी ली है, आप चाहे दही भी ले सकते हैं। और ये कुछ मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं, इनको बारीक कट कर लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और ये काली मिर्च 1/4 चम्मच ली है, और ये 1 पैकेट मैंने इनू का लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, सबसे पहले मैं ये स्वीट कॉर्न को मिक्सी में पीस लूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल लूंगी जिससे कि ये आसानी से पीस जाए। ये हमने स्वीट कॉर्न को पीस लिया है। ये मैंने एक बाउल लिया है, सबसे पहले बाउल में मैं सूजी डाल दूंगी मैं, और अब मैं इसे लस्सी की मदद से पेस्ट तैयार कर लूंगी। और अब मैं ये इसमें पिसे हुए स्वीट कॉर्न डाल दूंगी। आप चाहे कद्दूकस भी कर सकते हैं भुट्टे को, मैंने भुट्टे के दाने निकाल लिए थे। और अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी और जो बची हुई लस्सी है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने 1 गिलास लस्सी का प्रयोग किया है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्च, हल्दी और नमक, काली मिर्च इसमें डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं ये बीन्स की फलियां भी डाल दूंगी इसमें और ये हरा धनिया भी, और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी फिर से। ये हमारा पेस्ट मिक्स हो चुका है। ये मैंने एक छोटा सॉस पैन लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये सरसों के दाने डाल दूंगी, साथ ही मैं इसमें ये कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी। ये हमारे सरसों के दाने और कड़ी पत्ता अच्छे से भून चुका है, गैस को मैं बंद कर दूंगी। और जो ये मैंने पेस्ट तैयार किया है, अब मैं इसके अंदर इसे डाल दूंगी, अच्छे से फिर से मिक्स करूंगी मैं। ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। ये मैंने कढ़ाई ली है, एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाला है और इसमें मैं 1/2 गिलास पानी और डाल दूंगी। जब तक हमारा ये पानी बॉईल होता है तब तक हम ये पेस्ट को सांचों में भर लेते हैं। ये मैंने इडली स्टैंड लिया है, अब मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी ब्रश की मदद से। ये मैंने अपने स्टैंड पे ऑयल लगा दिया है और अब मैं पेस्ट में इनू मिलाकर इस पे और इसके अंदर डालकर इन्हें सेक लूंगी। और ये मैंने इनू का पैकेट लिया है, मैं इसमें से 1/2 पैकेट ही इनू डालूंगी और 1/2 पैकेट मैंने बचा लिया है और इसे फोल्ड करके मैं रख दूंगी जिससे कि ये इनू का पैकेट ऐसे ही रहेगा। और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। हमने इनू को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैं इसमें स्टैंड में इसको भर लूंगी।
प्रकार से मैं अपने सारे स्टैंड में ये पेस्ट को भरूंगी। ये हमारे तीनों स्टैंड में मैंने पेस्ट को डाल दिया है और अब मैं स्टैंड को गर्म पानी के अंदर रख दूंगी। हमारा पानी भी गर्म हो चुका है और इसे मैं ढक दूंगी। इसे मैं 15 मिनट के लिए भाप में पकने दूंगी। ये चेक करते हैं, हमारी इडलियों को 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं ये चाकू की मदद से चेक करूंगी। ये चाकू हमारा बिल्कुल साफ आया है, इडलियां हमारी तैयार हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल लूंगी। साँचों को से अलग करूंगी इन्हें और इन्हें मैं ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे थोड़ी सी ठंडी होने दूंगी इडलियों को, जिससे कि ये सांचे से आसानी से निकल जाए। अब मैं इन्हें सांचे से बाहर निकालूंगी चाकू की मदद से और ये हमारी इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। इसी प्रकार से मैं अपनी सारी इडलियों को सांचे से निकाल लूंगी। ये हमारी स्वीट कॉर्न की इडलियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।